नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। आज स्टोरी साइकिल के ऊपर है। पहले साइकिल किस चीज़ की बनी थी, उसे कैसे चलाते थे, तो कैसे धीरे धीरे सुधार होता, स्टोरी में ये सब जानने को मिलेगा। और इंग्लिश के नए नए वर्ड जानने को मिलेगा और ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं। टाइटल है द स्टोरी ऑफ ए बाइसिकल, यानी स्टोरी मतलब कहानी, ऑफ मतलब कि, ए मतलब एक, बाइसिकल मतलब साइकिल, एक साइकिल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। द बाइसिकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बाइसिकल पॉपुलर मतलब प्रचलित, इंडिया मतलब भारत। साइकिल बहुत प्रचलित है भारत में। द ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान। द मिल्कमैन, दूध वाला। द न्यूज़पेपर, फेरी वाला। द पोस्टमैन एंड द हॉकर यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हॉकर मतलब फेरी वाला, यानी मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाते हैं सामान बेचते हैं उसे हॉकर बोलते हैं, फेरी वाला। तो बूढ़े और नवयुवक, दूध वाला और पेपर वाला और डाकिया और फेरी वाला यूज़ उपयोग करते हैं जाने के लिए, फ्रॉम से वन, एक स्थान से दूसरे स्थान, अदर मतलब दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं। ए लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन, ये बहुत शिक्षित नवयुवक आदमी यूज़ बाइसिकल का उपयोग, पर्यावरण इन्वायरमेंटल पर्यावरण कंसर्न चिंता, यानी जो बहुत शिक्षित नवयुवक हैं साइकिल कंसर्न चिंता करते हैं पर्यावरण के लिए, तो इसलिए साइकिल का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1870 बाई अ जर्मन, यानी फर्स्ट बस के लिए पहली साइकिल वाज थी बिल्ट बनी इन में 1817 बाई द्वारा एक पहली साइकिल बनी थी एक जर्मन के द्वारा 1870 में बनी थी। इट वाज मेड ऑफ वुड, जो पहली साइकिल बनी थी वह लकड़ी की बनी हुई थी। द राइडर सैट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाई पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। द राइडर चालक, जो साइकिल चलाता उसे चालक बोलते हैं। सैट, सीट माने बैठना, सैट माने बैठा। ऑन पर सैडल, सीट, ये जो साइड सीट इसे बोलते हैं सैडल, सैडल मतलब सीट, एंड और रोड चलाते थे इट इसे बाई द्वारा पुशिंग ढकेल कर हिस अपने फिट पैर अगेंस्ट अगेंस्ट विरुद्ध, यानी पैर में पैर से जमीन पर धक्का देकर इसे चलाते थे। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में द मशीन वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स, इंग्लैंड में इस साइकिल को बुलाते थे हॉबी हॉर्स। ए स्कॉटमैन नेम मैकमिलन, एक स्कॉटमैन नाम का मैकमिलन इम्प्रूव हॉबी हॉर्स में सुधार, इम्प्रूव माने सुधार, हॉबी हॉर्स में सुधार किया। ही प्रोवाइडेड पैडल्स विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रोड्स। ही उसने प्रोवाइडेड लगाया पैडल्स, ये जो है इसे पैडल बोलते हैं, पैडल विच जो कि वर थे कनेक्टेड जुड़े हुए टू से रियर, रियर मतलब पिछला, पिछले वेल मतलब पहिया, पहिया इसे बोलते हैं, पहिए बाई द्वारा लॉन्ग रोड्स, यानी लंबे रोड से जुड़े हुए थे उसने लगाया पिछले पहिए में। जोड़ दिए थे पिछले पहिए में। इन 1861 ए फ्रेंचमैन बिल्ट अ बेटर मशीन,
इन 1861 में फ्रेंचमैन बिल्ट बनाया, बिल्ट मतलब बनाया ए बेटर, सबसे अच्छी मशीन। 1861 में एक फ्रेंचमैन ने सबसे अच्छी मशीन बनाई। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर, जिसे कहते थे, कॉल मतलब कहते बुलाते थे, बोन शेकर कहकर उसे बुलाते थे, उसे बोन शेकर कहते थे, बिकॉज क्योंकि इट्स वुडन वॉल्स गेव इट ऑफ राइट, क्योंकि यह वुडन लकड़ी की पहिए से गेव रफ, यानी लकड़ी के पहिए की बहुत कठोर सवारी देती थी। रफ मतलब कठोर, राइड मतलब सवारी, सुन जल्दी, रबर, रबर मतलब रबर, वाइल पहिए वर थे फिटेड, फिटेड मतलब यानी फिट, व्यवस्थित थे, एंड और द मशीन वाज देन कॉल्ड बाइसिकल, मशीन थी देन तब कॉल्ड, उसे बाइसिकल नाम दिया गया, जब उसमें रबर के पहिए लगाए गए तो उसे बाइसिकल नाम दिया गया। द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1879, जो अभी साइकिल बन रही है तो उसे रबर के पहिए लग गए थे 1870 में, तो उसे बाई द्वारा बनी थी, हरी लॉन्सन, जो रबर के पहिए लगाए गए थे तो हरी लॉन्सन द्वारा लगाए गए थे, एंड अमेरिकन, जो अमेरिकन का रहने वाला था। इट वाज ड्राइवन बाय चैन कनेक्टेड टू रियर व्हील, कनेक्टर मतलब जुड़े थे रियर पिछले पहिए से, ड्राइवन ये चलाई जाती थी द्वारा, एक चैन कनेक्टेड पिछले पहिए से जो जुड़े थे उसे चलाया जाता था। द बाइसिकल हैज बीन कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एज, बाइसिकल हैज बीन चुकी थी, हैज बीन मतलब चुकी थी, चुका था, हैज बीन सॉरी, हैज बीन मतलब होता है चुका है, चुकी है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैज बीन एक कंपेनियन मतलब साथी, दोस्त, ऑफ द कॉमन मैन आम आदमी, सिंस एज यूगो, यानी कॉमन आदमी का बाइसिकल सिंस एज यूगो से आदमी का साथी रहा है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल मतलब ईंधन, रिक्वायर मतलब ज़रूरत, ये इसे ज़रूरत ईंधन की नहीं पड़ती थी। इट इज इजी टू पार्क, इसे पार करने में बहुत आसानी होती थी। पार्क मतलब यानी साइकिल को खड़ी करना। इट कीप्स द बॉडी ऑफ राइडर फिट, इस ये रखती थी द बॉडी, शरीर को, राइडर चालक के फिट को व्यवस्थित रखती थी। द यूज ऑफ बाइसिकल इज आल्सो इको फ्रेंडली, यूज बाइसिकल का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण के अनुकूल। एज इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइस फ्री एंड पोल्यूशन फ्री, एज इट क्योंकि यह रखती है एनवायरमेंट पर्यावरण नॉइज शोर फ्री स्वतंत्र एंड पोल्यूशन मुक्त, यानी ये पर्यावरण को पोल्यूशन यानी प्रदूषण मुक्त और शोर मुक्त रखती है। तो आप लोगों को थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।